वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देख लेते हैं। मणिपुर हिंसा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पहल की है। सीएम नीतीश कुमार ने स्थानीय आयुक्त दिल्ली को निर्देश दिया है। मणिपुर में पढ़ रहे छात्रों को पटना लाने के निर्देश दिए गए। इंडिको के विशेष विमान से स्टूडेंट्स पटना लाए जाएंगे। राज्य सरकार अपने खर्च पर छात्रों को वापस लाएगी। कल सुबह 6 बजे स्टूडेंट्स को विमान से पटना लाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि छात्रों के लिए एक बड़ी पहल की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। राज्य सरकार अपने खर्च पर छात्रों को वापस लाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि कल सुबह 6 बजे स्टूडेंट्स को विमान से पटना लाया जाएगा। हालांकि देखिए मणिपुर में फिलहाल हालात तो समान है, लेकिन मणिपुर हिंसा के बाद से जो वहां छात्र फंसे हुए हैं थोड़े कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, और इसी के लिए यह पहल की गई है। जो भी छात्र वहां पढ़ रहे हैं पटना लाने का निर्देश दिया है बिहार सरकार ने, और बिहार सरकार ने यह तय किया है कि सभी छात्रों को वापस लाया जाएगा और राज्य सरकार अपने खर्च पर सभी छात्रों को वापस लाएगी। बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि कल सुबह 6 बजे ये सभी स्टूडेंट्स को विमान से पटना लाया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि इसके लिए इंडिगो के विशेष विमान की व्यवस्था की जाएगी और उसी विमान से स्टूडेंट्स वापस आएंगे। जो भी छात्र मणिपुर में फंसे हुए हैं, जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उन्हें पटना लाया जाएगा। तो बड़ी पहल की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्थानीय आयुक्त दिल्ली को ये निर्देश भी दे दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। मणिपुर हिंसा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये पहल। देखिए बिहार के कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मणिपुर में खासतौर पर पढ़ाई करने जाते हैं। इंजीनियरिंग के बहुत सारे छात्र वहां पर हैं। और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य सरकार अपने खर्च पर इन सभी छात्रों को वापस पटना लाएगी और इसके लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। कल सुबह 6 बजे सभी छात्रों को मणिपुर से पटना लाया जाएगा और जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए पहल की जा रही है। और राज्य सरकार की तरफ से बड़ा कदम, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मणिपुर हिंसा के बाद से ये कदम उठाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये बता दें कि आपको राज्य सरकार ने सरकारी खर्चे पर ये तय किया है कि उन सभी छात्रों को वापस पटना लाया जाएगा। हालांकि देखिए लगातार वहां पर स्थिति पर लोग नजर बनाए हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वप्निल जी। स्वप्निल, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा कदम कहा जा सकता है और सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है, जानना ये चाहेंगे व्यवस्थाएं कैसी कराई गई है। अंजलि देखिए, तकरीबन 200 से अधिक विद्यार्थी बताए जा रहे हैं जो छात्र हैं वो मणिपुर में पढ़ रहे थे और इनको लाने का लगातार सरकार प्रयास कर रही थी। इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी जो बिहार के हैं आमिर सुबहानी, उनको डायरेक्शन दिया था कि आप मणिपुर के सीएम से बात करो और बात करके वहां जो भी बिहार के लोग हैं उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे मदद किया जाए, इसकी व्यवस्था करो। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार कॉन्शियस थे और मुख्यमंत्री ने आज सीधे तौर पर जो दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर होते हैं जिनको स्थानीय आयुक्त कहते हैं उनको ये दिशा निर्देश दिया है कि आप वहां से जो भी बच्चे फंसे हैं, जो भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको आप लेकर के आओ। देखो इसमें प्रोसेस अंजलि ये होना है कि कल बस के माध्यम से अलग अलग बसेज जो है वो मणिपुर में स्टूडेंट्स को कलेक्ट करेंगी और कलेक्ट करके एयरपोर्ट लेके आएंगी और एयरपोर्ट से इंडिगो का विशेष विमान जो है वो स्टूडेंट्स को वहां से लेके सीधे पटना आएगा। और इस दौरान जो बिहार के डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे कोऑर्डिनेशन के लिए, और बिहार जो बिहार का पुलिस मुख्यालय और जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है वो लगातार मणिपुर सीएम ऑफिस और मणिपुर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके संपर्क में है। कल तकरीबन 2 बजे तक बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो स्पेशल विमान जो इंडिगो का होगा उससे पटना पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से अच्छी पहल, क्योंकि स्वप्निल जी ये भी देखा जाता है कि कई सारे छात्र वहां पर फंसे हुए हैं खासतौर पर इंजीनियरिंग के छात्र। जानना ये चाहेंगे क्या कोई जानकारी आपके पास, कितनी संख्या में वहां पर छात्र हैं, क्योंकि देखिए अगर लाना होगा तो एक पूरी तरीके से रणनीति बनानी होगी सभी छात्रों को, क्योंकि वापस लाना है सुरक्षित। बिल्कुल अंजलि, देखिए तकरीबन 200 से अधिक स्टूडेंट बताए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो जिला है वो छपरा, बेतिया, पटना, नालंदा, आरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर और कटिहार के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर फंसे, मतलब फंसे एक तरह से कहें जो पढ़ने गए थे और फिलहाल वहां पर हैं। तो उनको एक तरह जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा था और अभी देखिए मुख्यमंत्री ने सीधे ये निर्देश दे दिया। और इसमें महत्वपूर्ण बात एक और है कि ये पूरा जो एक्सपेंस होगा वो स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड से वहन करेगी, राज्य सरकार पूरा खर्च उठाएगी बस से ट्रांसपोर्टेशन करके मणिपुर के कैपिटल लाने का और वहां से फ्लाइट के माध्यम से इंडिगो के विमान से पटना लाने का। ये पूरा एक्सपेंस स्टेट गवर्नमेंट अपने ऊपर वहन करेगी। बिल्कुल, वहीं दर्शकों को बता दें कि
देखिए स्थिति वहां पर सामान्य बनी हुई है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो छात्र फंसे हुए हैं, जो छात्र वहां पर मौजूद हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, फिलहाल उन्हें राज्य सरकार अपने खर्चे पर वापस लाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर, राजस्थान के हनुमानगढ़ में